हाय हाई वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडेट ट्रेडिंग के लिए टाइमिंग कैसे चूज करें तो इंट्रा ट्रेडिंग के लिए हमें सिर्फ पाँच से छ घंटे मिलते हैं और इस छः से पाँच घंटे में हम लोग कैसे प्रॉफिट करें कौन सा ट्रेड डाले ट्रेड टाइमिंग कैसा होगा उस ट्रेड से कैसे निकले और प्रॉफिट ले कैसे निकले इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है और इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम आएंगी जो बिगिनर्स हैं और जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो किस टाइम पे ट्रेड ले सकते हैं और किस टाइम पे ट्रेड लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा इन सब बातों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ ऐसे एजुकेशनल वीडियोस भी डालती हूँ यानी कि शेयर मार्केट के रिलेटेड आपको सारा कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सही से आती जाए और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अपस्टॉक्स ने फिर से एक बारी फ्री अकाउंट ओपनिंग स्कीम चालू कर दी है बीच में अब स्टॉक्स नाइन्टी नाइन टू फोर्टी वन चार्ज कर रहा था अकाउंट ओपनिंग के लिए लेकिन फिर से एक बारी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अब स्टॉक्स ने एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग स्कीम लेके आया है तो आज ही अपना अकाउंट अब स्टॉक्स के साथ ओपन कर लीजिएगा क्योंकि फिर से ये ऑफर रहेगी नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा सो so, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइमिंग कैसे चूज करें तो देखिए हमेशा लोग कहते हैं कि शेयर बाजार से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर हम लोग शेयर बाज़ार से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है अगर आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी यूज करते हो और अगर लॉन्ग टर्म में सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ से डेफिनेटली कमाई की जा सकती है वही अगर देखें तो इक्विटी मार्केट में हम लोग इंट्राडे करके कुछ थोड़े ही घंटों में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं सो यहाँ पे इक्विटी में या फिर अगर आप देखो तो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपको इंट्राडे डिलीवरी ट्रेडिंग ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लेकिन अगर बात करें तो डिलीवरी ट्रेडिंग में हमें उतना जल्दी पैसा नहीं बनता है जितना इंट्राडे में बन सकता है क्योंकि इंट्राडे में हम लोग दिन में ट्रेडिंग करते हैं कुछ पांच से छह घंटे के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और अगर आप चाहते हो कि वो स्टॉक के अंदर आपको आगे भी कंटिन्यू करना है तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग भी कर सकते हो तो डिलीवरी ट्रेडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो और इंट्राडे आपको डे में ही ख़त्म करना होगा उसी में अगर आप देख रहे हो स्टॉक के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसी दिन उसी टाइम पे आप निकल सकते हो या फिर आप इंट्राडे अगर ऑर्डर प्लेस करते हो अपने डी अकाउंट में तो आप डिरेक्टली वो इंट्राडे ऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे कवर ऑफ हो जाएगा तो ये एक फ़ायदा रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है दिन के से छह घंटे ही हमें मिलते हैं और इन छह घंटों में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाना है ट्रेड भी लेना है और ट्रेड से एग्जिट भी कर लेना है तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइम पे हमें ट्रेड लेना है या फिर कौन कौन से टाइम पे मार्केट में कैसे हलचल होती है तो देखिए हमें यहाँ पे तीन टाइम्स ध्यान में रखने हैं आप ये चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तो मॉर्निंग जो मार्केट ओपन होता है उसमें 30 से 40 मिनट के लिए 30 से 45 मिनट के लिए बहुत भीड़ रहती है सवा नौ से साढ़े दस के बीच में अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर वालेडिलिटी हाई रहती है और इस टाइम पे अगर आप बिगिनर्स है आपको एक से दो साल ही हुआ है मार्केट के अंदर आके तो आप इस टाइम को फिलहाल अवॉइड कीजिएगा ये मेरी राय है आप अगर बहुत ही टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो आप एक अच्छे प्लेयर हो तो आप इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो आपको थोड़े ही घंटे में मतलब 30 से 40 मिनट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है और उस ट्रेड से आप एग्जिट भी कर सकते हो तो मॉर्निंग 9:50 10:30 बहुत भीड़ का टाइम रहता है और इस टाइम पे देखिए क्या होता है उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है मार्केट के अंदर जैसे कि बीटीएसटी वाले होते हैं एसटीबीटी वाले होते हैं तो इस वजह से हमें जो बिगिनर्स हैं उनको इस टाइम पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है और आफ्टर 10:30 मार्केट ने एक प्राइस जो एटीपी प्राइस होता है वो सेट किया होता है और इसके बाद में हमें ट्रेड के लिए जाना इजी रहता है और जो बिगिनर्स है वो इसके बाद में ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आफ्टर टेन थर्टी मार्केट ने लो हाई बनाया हुआ होता है और इसके बीच में ही मार्केट दिन भर में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है तो अगर देखिए मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट पहले सुबह एक लो लगाएगा और अगर मार्केट ने नीचे जाना होता है तो पहले सुबह एक बारी हाई लगाएगा तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और 10:30 से पहले सेट होने दीजिए उसके बाद में ही आप ट्रेड कर सकते हो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है वो है 12:30 से 1:45 के बीच में अभी देखिए जो सुबह ट्रेंड चल रहा होता है उसका जो रिवर्सल है वो हमें इस बीच में दिखाई देता है 12:30 से 1:45 के बीच में और इस बीच में हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है और इस बीच में अगर हम लोग ट्रेड डालते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा हमें यहाँ पे हो सकता है तो इस बीच में ट्रेड डालना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट भी अच्छा खासा बुक कर सकते हैं तो ये बातें देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि मार्केट ने मॉर्निंग को अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की है तो फिर बाद में मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और यहाँ पे 12:30 से 1:45 के बीच में रिवर्सल तभी मिलता है जब मार्केट मॉर्निंग को गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग नहीं करता है तो ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा और ये टाइम पे ट्रेड लेना अच्छा रहता है अगर आप बिगनर्स हो या फिर अगर आप बहुत ही पुराने प्लेयर हो किसी भी प्लेयर के लिए इस टाइम में ट्रेड करना प्रॉफिट ही रहेगा अगर आप ठीक से ट्रेड लेते हो तो थर्ड जो टाइम स्लॉट है वो है टू थर्टी और उसके बाद का तो इस टाइम पे क्या होता है वोलेटिलिटी हाई रहती है तो इस टाइम पे या तो ट्रेंड शुरू होके खत्म हो सकता है या फिर जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हाई तक जाएगा ही जाएगा तो यहां पे बहुत ही ज्यादा आप केयरफुली ट्रेड कर सकते हो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और जो पुराने प्लेयर्स हैं वो भी तो इस टाइम पे मेजर चेंजेस जो होते हैं हाईली वोलाटाइल मार्केट जो होता है वो इस टाइम पे होता है तो इस टाइम पे अगर कोई टू थर्टी के बाद ट्रेंड चालू होता है मार्केट के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर तो वो ट्रेंड या तो जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर वो ट्रेंड दो परसेंट से तीन परसेंट के चेंजेस के बाद ही खत्म होगा तो इस टाइम पे ट्रेड करना बिगिनर्स थोड़ा अवॉइड कीजिएगा जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो तो ये दिन के कुछ पांच से छः घंटे हमें मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए तो मैंने तीनों टाइम स्लॉट आपको बता दिए हैं जो टाइम पे आपको ट्रेड करके आसानी से प्रॉफिट हो सकता है और ये भी बताया है कि इंट्राडे और डिलीवरी में क्या अंतर है इंट्राडे में आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो और डिलीवरी में क्या होता है आप अगर उस स्टॉक के अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहते हो तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये तीनों टाइमिंग्स जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको आंसर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में पूछ लो मैं ट्राई करूंगी सारे कमेंट्स का आंसर करने के लिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है अगर आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो तो यहाँ पे YouTube पे मैंने तीन मेंबरशिप के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं फर्स्ट मेंबरशिप के अंदर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन मिलता है आपको कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक लेने हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक लेने हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है सेकेंड मेंबरशिप के अंदर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन तो मिलता ही है साथ में आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते हैं अभी देखिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ऐसे वीडियोस एवरीडे बनाने के लिए लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि महीने में एक या फिर दो वीडियोस तो मैं एजुकेशनल डालू सारे सब्सक्राइबर्स के लिए और मेंबरशिप में क्या होता है मैं सारे वीडियोस जो भी उनको डाउट रहता है वही पे सॉल्व करती हूँ वही पे आपको वीडियोज वगैरह बना के देती हूँ या फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ तो ये एक मेंबरशिप के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है थर्ड मेंबरशिप जो कि है प्लेटिनम मेंबरशिप बहुत ही यूजफुल है जहां पे आपको दोनों मेंबरशिप के बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं साथ में आपको मेरा पर्सनल WhatsApp कॉन्टेक्ट मिलता है जहां पे आप लाइव मार्केट में मुझे अपने क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो मैं आपको एक टाइम स्लॉट देती हूँ और उस टाइम में आप अपनी क्वेरीज जो है वो मार्केट के चालू रहते समय आप मुझे पूछ सकते हो साथ में आपको प्लेटिनम मेंबरशिप में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलता है मैं एवरीडे नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट सेल के लेवल्स आपको प्रोवाइड करती हूँ साथ में एक चार्ट भी प्रिपेयर करके देती हूँ जहां पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए होते हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल हो सके तो ये तीन मेंबरशिप के ऑप्शंस हैं YouTube के थ्रू अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वही सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है वहां से भी आप मेंबरशिप ले सकते हो प्लेटिनम मेंबरशिप के लिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो क्यू आर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो क्यू आर कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और यूट्यूब कम्युनिटी पे मिल जाएगा और प्लेटिनम मेंबरशिप के लिए थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक एक ऑफर है जहां पे अगर आप सिक्स मंथ के लिए प्लेटिनम मेंबरशिप लेते हो तो फोर आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो देखिए आपको, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना यहां तक देखा है तो लाइक करके ही जाना और अगर इस वीडियो को 200, 250 से ज्यादा लाइक्स आते हैं चलो एक टारगेट रख लेते हैं 250 लाइक्स से ऊपर अगर आ जाते हैं तो मैं ऐसे और पार्ट्स डालूंगी अगर इसको रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए तो 250 का टारगेट रहेगा 250 लाइक्स अगर आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट सैटरडे को मिल जाएगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली